नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पश्चिमी यूपी में प्रचार का शोर चरम पर है। रोजाना गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी का जवाब चर्बी से मिल रहा है। चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने से बाज नहीं आ रहे। मर्यादाएं ताक पर रखकर कोई किसी की गर्मी उतारने को तैयार है तो कोई चर्बी पिघलाने को अपनी शान समझ रहा है। चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने के लिए नेता ऊल जुलूल बयानबाजी से कतई बाज नहीं आ रहे। मथुरा की एक जनसभा में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसा भर भर के वोट दो, नल के हैंडपंप के बटन को इतना जोर से दबाओ कि बीजेपी की जो चर्बी बढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो। चर्बी उतारने का जयंत चौधरी का यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकालने वाले बयान के जवाब में आया था। सीएम योगी ने सपा उम्मीदवार नाहिद हसन के कुछ समर्थकों की ओर से दी गई धमकी को लेकर यह कहा था कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगहों पर दिख रही है ये शांत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूँ। यूपी की इस जुबानी जंग में यूपी में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैदराबादी भाईजान AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने बीजेपी से पूछा कि कृषि कानून वापस लेते समय ये गर्मी कहाँ चली गई थी। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके और पलटवार करते हुए कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी पर ताना मार दिया। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की खासियत ये है कि वो जिन्ना पर बात करते हैं और मई जून में गर्मी पैदा करते हैं। अगर बाबा मई और जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 की जून जुलाई में ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पाए। गंगा में लाशें बह रही थीं, लोगों को दवाएं नहीं मिल पाईं। चुनाव के दौरान बदजुबानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब सवाल उठता है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कहां तक सही है, और क्या चुनाव प्रचार के बीच में जुबानी जंग मर्यादा लांघे बिना नहीं की जा सकती। आखिर कब चुनाव आयोग इस मामले पर सख्ती दिखाएगा। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, यूपी इलेक्शन से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।